नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत अतरौलिया के मुख्य बाजार में स्थित फैशन हट दुकान के मालिक नवनीत जायसवाल के ऊपर हुए जानलेवा हमले के विरोध में गुरुवार को व्यापारी लामबंद होकर अपनी दुकानें बंद कर थाने पहुंचे। नवनीत जायसवाल ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी है। इस घटना से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार से मिलकर अपनी समस्याओं और सुरक्षा के प्रति चर्चा भी की, जिस पर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि व्यापारियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें टीम बनाकर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। उन्होंने व्यापारियों की मांग पर बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करते हुए बाजार में आने जाने वाले सभी रास्तों पर सशस्त्र पुलिस बल का पहरा तथा बाजार में सराफा, बाजार गोला क्षेत्र, गोविंद तिराहा, जायसवाल त्रिमोहानी, सदर बाजार, रामबरन चौक, बब्बर चौक आदि स्थानों पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, पूर्व चेयरमैन रामचंद्र जायसवाल, विवेक कुमार जायसवाल, दिनेश मधेशिया, राजेश कुमार अग्रहरी, अमित कुमार जायसवाल, रिंकू मोदनवाल, सुमित कुमार गुप्ता, अभिमन्यु जायसवाल, विक्की मधेशिया, दिलीप बर्नवाल, ब्रिजेश कुमार, बबलू मधेशिया, अरविंद कुमार अग्रहरी, अजय कुमार गुप्ता, पप्पू यादव, दीपक जायसवाल, मोहित सोनकर, प्रदीप सोनकर, रामाश्रय सोनकर सहित बाजार के सैकड़ों व्यापारी व आम जनता मौजूद रही। आप